कक्षा 11वीं की इसमें फाइनली आपको हम यहाँ पर हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका पूरा पेपर है वो आपके यहाँ पर हिंदी का आ चुका। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और साथ ही स्टूडेंट आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको याद करके जाना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इस पेपर पूरा याद कर लेते हैं तो आपके पूरे पूरे मार्क्स आएंगे। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर हम आपको यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देते हैं कक्षा 11वीं 12वीं 25वीं 22वीं 23वीं हिंदी, ठीक है। और आपके जो यहाँ पेज रहेंगे वो आपको 7 रहेंगे, मार्क्स आपके यहाँ पर 80 रहने वाला। साथ ही आपका समय यहाँ पर 3 घंटे का रहेगा और आपके क्वेश्चन यहाँ पर 23 रहेंगे। और नरेश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य। और दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए 32 अंक निर्धारित हैं। और यहाँ पर 3, 4, 5 देख लीजिए। साथ ही पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर लेके आ चुके हैं, तो जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं। साथ ही हमने आपको पहले ही बता दिया, आपको यहाँ पर पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट लेना। चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएँ। तो स्टूडेंट आप यहाँ बताते, आपके यहाँ पहले तो आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, तो पहला था मीरा भाई के आराध्य देव कौन थे, तो आ आता श्री राम और बा आता श्री शिव। और आपके यहाँ पर सा, यहाँ पर देखते हैं आपका सा आता श्री राधा और दा आता श्री कृष्ण। तो यहाँ मीरा भाई के आराध्य देव कौन थे, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर दा रहेगा श्री कृष्ण। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर सकते। साथ ही आप वीडियो को आराम से देखिए और सुनिए, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका पहले कि यहाँ पर दा आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता जहाँ कर्म होने पर भी कर ना हो वहाँ अलंकार होता है, तो आपका आ आता व्यतिरेक और ब आता विभावना और सा आता विशेषोक्ति और द आता विरोधाभास। तो यहाँ पर जहाँ कर्म होने पर भी कर ना हो वहाँ अलंकार होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका सा विशेषोक्ति, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका दूसरे सा आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से याद करते जाइए। साथ ही हमने आपको पहले ही बता दिया, आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना है। और आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं हिंदी पेपर, साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं। और आपके यहाँ तीसरा आता मियाँ नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियाँ बनाने के लिए मशहूर थे, तो आ आता 36, ब आता 46 और सा आता 56 और द आता 66। तो यहाँ मियाँ नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियाँ बनाने के लिए मशहूर थे, तो इसका आंसर रहेगा आपका 56, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता जामुन के पेड़ के नीचे दई व्यक्ति को सर्वप्रथम किसने देखा, तो आपके यहाँ पर आता माली, ब आता चपरासी और सा आता सेक्रेटरी और द आता ज्वाइंट सेक्रेटरी। यहाँ पर जामुन के पेड़ के नीचे दई व्यक्ति को सर्वप्रथम किसने देखा, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर आ माली, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए। अब आपके यहाँ 5 मार्क्स साथ ही इनकी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलिए, ठीक है, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से रिविजन कर पाएगी। साथ ही आपको यहाँ पर याद करते जाना, क्योंकि आपको यहाँ पर दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा। और 5 माता बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है, तो आ आता बहुत पैसा वाला और बात आता बात से कमाई करने वाला और साथ जौन का पक्का होना दा आता खानदानी होना। तो यहाँ बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर रहेगा आपका सा जौन का पक्का होना। अब चलिए आपका 6वां देख लीजिए। 6वां आपका यहाँ पर आता है कुई की खुदाई करने वालों को क्या कहते हैं, तो आपका आता चेंजारो और बा आता चेंजा और सा आता चेंज और बा आता चेवानजो। तो यहाँ पर कुई की खुदाई करने वालों को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका आ चेंजारो, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। तो हमने आपके यहाँ पर 6 नंबर के करा दिए आपके सही विकल्प विथ सोल्यूशन सही, साथ ही आपने अच्छी तरह से याद भी कर ली होंगी और इनका स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। अब चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 2 आता रेगिस्तानी पूर्ति, ठीक है। रेगिस्तानी पूर्ति उचित शब्दों का चयन कर कीजिए। 7 नंबर के आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं, तो पहला आता बाड़ी का डिटेक्टर डॉट डॉट कहा जाता है, तो आपका यहाँ पर आता मीराबाई कबीर रहीम। तो यहाँ बाड़ी का डिटेक्टर आपका यहाँ पर हो जाएगा कबीर, ठीक है। आपके यहाँ पर लिख देना कबीर, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए बाड़ी का डिटेक्टर कबीर को कहा जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आता है, दूसरा रेगिस्तान आप यहाँ बताते हैं आश्रय की चेष्टाओं को डॉट डॉट कहते हैं, तो आपका आता अनुभव मुहावरा उद्दीपन। तो यहाँ पर आश्रय की चेष्टाओं का अनुभव, ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर लिख देना अनुभव, ठीक है। आपके यहाँ पर हो जाएगा दूसरे रेगिस्तान में अनुभव। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं, साथ ही हम यहाँ पर आपको टिक कर देते हैं, पहले में आपका कबीर, दूसरे में आपका अनुभव और तीसरा आपके यहाँ पर जो स्टूडेंट रेगिस्तान आता है आप यहाँ आते हैं मियाँ नसीरुद्दीन के पिता का नाम डॉट डॉट था, तो आपका आता मियाँ अली मियाँ और कल्लन मियाँ बरकत, तो इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका मियाँ बरकत, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए मियाँ बरकत, ठीक है। आपके यहाँ पर तीसरे का आपके यहाँ पर तीसरे रेगिस्तान भर देना मियाँ बरकत। और आपका चौथा आता रचना के आधार वाक्य डॉट डॉट प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर रचना के आधार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके यहाँ पर 3 भर देना। तो हमने आपके यहाँ पर 4 रेगिस्तान करा दिए, पहले में आपको कवि भर देना, दूसरे में आपको अनुभव और तीसरे में आपको मियाँ बरकत और चौथे में आपको 3 भर देना। इनका स्क्रीन शॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ 5वां रेगिस्तान आता है
चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है चपलता, वाणी, गंभीरता। तो यहाँ पर चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म चपलता, ठीक है, आपके यहाँ पर चपलता इसमें आप यहाँ पर भर देना, ठीक है। अब आपके यहाँ पर आपका छः माता हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है भारत भारती उदंत मातन कर्मवीर। तो यहाँ पर हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र आपका हो जाएगा यहाँ पर उदंत मातंड। तो यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, और साथ ही स्टूडेंट आपके यहाँ पर हम आपके यहाँ पर राइट आंसर करा रहे हैं, कोई भी आपके यहाँ पर गलत आंसर नहीं रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छी ऐसे याद कर लीजिए, आपके यहाँ पर छः में रेगिस्तान आपके यहाँ पर देख लीजिए, और चपलता आपके यहाँ पर हो जाएगा पाँच में रेगिस्तान में। फिर सात माता रीतिकालीन कवि डोंट हैं, तो आपके यहाँ पर आता देव सूरदास नवादास। तो यहाँ पर रीतिकालीन कवि आपके हो जाएंगे यहाँ पर देव, ठीक है, रीतिकालीन कवि देव हो जाएंगे। अब चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर देख लेते हैं, हमने रेगिस्तान आपकी करा दी है, आपने इन्हें अच्छी तरह से याद भी कर लिया होगा। अब आपके यहाँ पर आती हैं सरगुड़ी बनाकर लिखी, छः नंबर की आती हैं, ओकलाहोमा में आपके यहाँ पर दी गई सरगुड़ी पहले आती है। छोटे छोटे सवाल तो आपको मैच करा देने यहाँ पर दुष्यंत कुमारी त्यागी से, और कागज की नाव आपके यहाँ हो जाएगी कृष्ण चंद्र, और क्षत्रिय नृत्य आपकी रहेगी यहाँ पर देख लीजिए असम हो जाएगी आपकी। और जो चौथी आती है पहली मूक फिल्म है, तो आपको यहाँ पर 1983 मैच कर देना है। और जो आपकी आती है दोहा, ठीक है, दोहा को मैच करना है आपको 24 से यहाँ पर देख लीजिए। और जो आपके यहाँ पर छः माता आता जिसे जाना ना जा सके, तो इसका आंसर रहेगा आपका आगे, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाती हैं सजुड़ी, हमने मैच करा दी, जल्दी से स्क्रीन शॉट आप यहाँ पर ले लीजिए, ये आपके यहाँ पर छः नंबर की सजुड़ी हो गई हैं। अब आपके यहाँ पर एक, ठीक है, एक बात में उत्तर दीजिए, पहला आता कभी पाँचवा अभागा किसे कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका, ठीक है, कभी, ठीक है, कभी स्वयं को, ठीक है, कभी स्वयं को पाँचवा अगावा कहते हैं। तो आपको यहाँ पर लिख देना कभी स्वयं को पाँचवा, यहाँ पर देख लीजिए आपका पाँचवा अभागा कहते हैं, ये आपके यहाँ पर पहले का आंसर रहेगा, ठीक है, पहले का आपका आंसर रहेगा कभी स्वयं को पाँचवा अभागा कहते हैं। फिर आपका यहाँ पर आता दूसरा रस की निष्पत्ति में सहायक तत्व के नाम लिखिए, तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर विभाव, ठीक है, आपके यहाँ पर पहला हो जाएगा आपका विभाव अनुभव, सॉरी आपके यहाँ पहले आपको यहाँ पर लिखना है स्थायी भाव, ठीक है, स्थायी भाव पहले आपका रहेगा स्थायी भाव, और दूसरा आपका यहाँ पर रहेगा विभाव, और तीसरा रहेगा आपका अनुभाव, और चौथा रहेगा आपका यहाँ पर संचारी भाव, ठीक है। ये आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर हम आपको यहाँ पर लिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर रस की निष्पत्ति सहायक तत्व के नाम लिखिए, तो आपका इसका आंसर रहेगा स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। फिर आपके यहाँ पर तीसरा था धर्म के पिता का व्यवसाय क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोहारगिरी, ठीक है, आपके यहाँ पर लोहारगिरी इसमें लिख देना है, ठीक है, ये आपके यहाँ पर हो जाता है आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है निपात किसे कहते हैं लिखिए, तो चलिए इसका आंसर आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिए निपात किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, जो शब्द के अर्थ पर बल देने के लिए प्रयोग यहाँ पर प्रयोग हो जाते हो उसे निपात कहते हैं, ठीक है, जो शब्द के अर्थ पर बल देने के लिए प्रयोग हो उसे निपात कहते हैं, ये आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। तो जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ये आपको चौथे का हमने करा दिया। चलिए स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं, आप पाँच माता लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है, तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर गायन, ठीक है, गान पान, आपका इसका आंसर रहेगा गान पान। यहाँ पर लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म गान पान है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर छह माता सिनेमा के आविष्कार का आश्रय किसे दिया जाता है, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन, ये आपके यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। साथ ही हम आपको यहाँ पर कॉपी में जो हमने यहाँ पर आंसर लिखे हैं वो भी हम दिखा देंगे, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह समझ सकें। तो आपके इसका यहाँ पर हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन। और यहाँ पर जो आपका साथ में आता साथ जो आपका कवित्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है, तो इसका आंसर सभी को कमेंट में लिखना है, ठीक है, इसका आंसर मुझे पता, लेकिन आपको इसका आंसर जिसको भी पता वो कमेंट में लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके हमने करा दी आपके सदभाग में होता जो सात नंबर के थे, तो पहले का आंसर आप में थे कवि ने स्वयं को पाँचवा अभागा कहा, और दूसरे का आंसर रहेगा आपका स्थायी भाव अनुभव विभाव संचारी भाव, ठीक है, और तीसरे का आंसर रहेगा लोहारगिरी का काम, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं जो आपका तीसरे दिया था धर्म के पिता का व्यवसाय क्या था, तो इसका आंसर रहेगा लोहारगिरी का काम था। और आपका चौथा यहाँ पर निपात शब्द किसे कहते हैं, इसका आंसर रहेगा दो शब्द के अर्थ बल देने के लिए प्रयोग हो उसे अनुपात कहते हैं। और आप यहाँ पर पाँचवें का आंसर रहेगा लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म गान पान है, और छठवें का आंसर है थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है। यहाँ पर आप जो सातवीं का आंसर आपको यहाँ पर खुद कर लेना, ठीक है, और सभी को इसका आंसर कमेंट में लिखना सातवीं का। अब आपके यहाँ पर आते हैं सत असत, निम्नलिखित कथनों में सत असत का चयन कीजिए, तो पहला आपके यहाँ पर आता है कभी ने यूसर के अनेक रूप माने, तो ये आपके यहाँ पर असत रहेगा, ठीक है, क्योंकि कभी ने यहाँ पर यूसर का एक ही रूप माना है, तो ये आपका पहला यहाँ पर असत रहेगा। फिर आपका आता है कठोर वर्णों की आवृत्ति मातृ गुण में होती है, तो ये भी आपके यहाँ पर असत रहेगा, क्योंकि कठोर वर्णों की आवृत्ति मातृ गुण में नहीं होती है,
तो आपके यहाँ पर दूसरा अस्त्र रहेगा। और तीसरा था मियाँ नसीरुद्दीन ने पंच अंजा सिर हिलाया, तो ये आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए, साथ ही अच्छे से याद करते यही हमने तीन करा दिए, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही एक साथ बाकी उत्तर से इनका भी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा असत आता अर्थ के आधार पर आठ प्रकार होते हैं, तो ये आपके यहाँ पर बहुत सत्य रहेगा। फिर आपके यहाँ पर आता कुई का व्यास घेरा बहुत चौड़ा होता है, तो ये आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए, बुक यही आने वाले हैं आपके। और छठा आता पट कथा को अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहा जाता है, तो ये आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं पूरी ऑब्जेक्ट कम्प्लीट, हैं पूरी आपके ऑब्जेक्ट करा दिए, आपने इन्हें अच्छे से याद भी कर लिया होगा। अब चलिए आपके क्वेश्चन आते हैं, साथ ही हम क्वेश्चन का आंसर भी आपको कराएंगे, तो वीडियो पूरा देख के जाना। साथ ही हमने आपको पहले ही बता दिया आपको पेपर देने से पहले पूरा पेपर रट के जाना है। तो आपका छह माह तक कभी अपने को दीवाना क्यों कहा, जल्दी से देख लीजिए। छठा क्वेश्चन है आपका, सातवां क्वेश्चन आप देख लीजिए, भक्ति गार को हिंदी साधक सुनो क्यों कहा गया, छावादी कविता की दुविधा लिखी। आठवां क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीन शॉट आप लेते, जल्दी हम आपको पढ़ के नहीं दिखाएंगे क्योंकि आपको अभी पेपर भी याद करना, तो जल्दी से स्क्रीन शॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। दसवां क्वेश्चन देख लीजिए, ग्यारहवां, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले चलिए आपके यहाँ पर। ग्यारहवां क्वेश्चन आता, बारहवां क्वेश्चन आता, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई दो अंतर लिखिए, अथवा था क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, आप ना बारहवां क्वेश्चन देख लीजिए, तीनवां क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये रहा आपका तीनवां क्वेश्चन। फिर आपका यहाँ पर चौदहवां क्वेश्चन आता, लता मंगेशकर गान की दुविधा लिखी, अथवा देख लीजिए इसका। और पंद्रहवां आप देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर सोलहवां और सत्रहवां क्वेश्चन आता, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए, पूरा पेपर आपका आ चुका है। फिर आपके यहाँ पर अठारहवां क्वेश्चन आता, अठारहवां क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपका अठारहवां क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आप कहते हैं दिए गए विषय का भाव पालन कीजिए, चरित्र सबसे बड़ा धन है, अथवा था पिता पुत्र में पढ़ाई को लेकर हुई बातचीत लिखिए। ठीक है, इसका आपको यहाँ पर चरित्र सबसे बड़ा धन है, इसका आपको भाव पालन करना है। साथ ही आप यहाँ पर देते हैं कबीर अथवा मीरा का काव्य परिजन बिंदु के आधार पर लिखिए, तो आपका अथवा लिखा है, तो दोनों में से आपकी एक पर यहाँ पर करना है। ठीक है, यहाँ भी आपका अथवा लगा, तो दोनों में से आपको एक पर करना है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता आपने गद्यांश, सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र है अपने समय का सदुपयोग करना, सदुपयोग का अर्थ सही उपयोग कार्य को समझ कर तुरंत कार्य में लग जाना। इस तरह से आपका दिया गद्यांश, तो पूरा पढ़ लीजिए। और चलिए आपके यहाँ पर इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, और आपके यहाँ पर दो लाइनें यहाँ पर दी हैं, देख लीजिए। फिर इसके क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आप आते हैं उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, और दूसरा था कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है, और तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। फिर इसका अर्थ आता है, तो जो कि आपका एक काव्यांश आता है, तो आपको काव्यांश पढ़ लेना, और आप इसे पढ़ लीजिए ध्यान से, तो जो आपके क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन के आंसर आपको इसी मिल जाएंगे। फिर आपका बीसवां क्वेश्चन आता है, बीसवां क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि आपका एक पद्यांश है, इसका आपको संदर्भ प्रसंग से आपको यहाँ पर अर्थ लिखना, जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर हम आपको कराने वाले हैं। फिर आपके इक्कीसवां क्वेश्चन आता, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या कीजिए, दुनिया सोती थी दुनिया की जीव जागती थी, इसका आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित आपको यहाँ व्याख्या लिखनी है। साथ ही आपकी यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर दी, देख लीजिए। फिर इसका अथवा था, मियाँ नसीरुद्दीन हमारी और कुछ ऐसा देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। ठीक है, इस तरह से आपका दिया, तो इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको यहाँ पर अर्थ लिखना है। फिर आपका बाईसवां क्वेश्चन आता है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक अंतरों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जो जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखी चयन करेगा। और तेईसवां क्वेश्चन लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आता, पूरा करा दिया पेपर हमने, और साथ ही जो स्टूडेंट आपके इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी और प्रेस कर लीजिए। साथ ही आप यहाँ पर जाइए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।